ईद के मौके पर सोमवार को रामपुर के सत्यनारायण मंदिर परिसर में मंदिर ट्रस्ट और संकल्प अध्ययन वित्त रामपुर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन करते हुए एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि कोरोना के इस दौर में बहुत सारे रक्तदाता और रक्तदान से जुड़ी संस्थाएं आगे नहीं आ पा रही थी, ऐसे में लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करने के लिए सकारात्मक प्रयास किया गया है। इस रक्तदान से ऊपरी क्षेत्र में रक्त की आवश्यकता पड़ने पर उनकी जरूरत पूरी हो सकेगी। इस रक्तदान शिविर में कॉलेज के छात्रों के अलावा युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। रक्तदान शिविर आयोजकों ने बताया कि रामपुर के खनेरी महात्मा गांधी चिकित्सालय सेवा परिसर में शिमला जिला के ऊपरी हिस्सों के अलावा किन्नौर, कुल्लू जिला के आनी, निरमंड, मंडी जिला के करसोग के दूर दराज के मरीज आते हैं। उनका प्रयास है कि जरूरतमंदों को रामपुर में ही खून की कमी ना हो। एसडीएम रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि कोरोना महामारी में लोग रक्तदान के लिए आगे किसी कारणवश नहीं आ पा रहे थे, उन्हें रक्तदान के प्रति प्रेरित करना था। रक्तदान आयोजक युवा वर्ग इस कोरोना महामारी के दौर में प्रशासन का लगातार साथ दे रहा है। जैसा कि आपको पता है कि संकल्प अध्ययन वृत्त की तरफ से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, और आपको पता है कि आजकल ये समय ऐसा कोरोना महामारी का चला हुआ है, तो इसमें बहुत सारे डोनर, बहुत सारी संस्थाएं जो है रक्तदान के लिए आगे नहीं आ पा रही है किसी न किसी कारणवश, वो चाहे महामारी की जो या कर्फ्यू का जो समय है उस कारण कह लो, या लोगों को कुछ दिमाग में भय है वो वहीं संकल्प अध्ययन वृत्त रामपुर के अध्यक्ष रजत ठाकुर ने बताया कि इस रक्तदान के आयोजन का मकसद लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। आज के दौर में रक्त की कमी ना हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। युवाओं और कॉलेज छात्रों को बताया जा रहा है कि रक्तदान महादान है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत ठाकुर, अध्यक्ष संकल्प अध्ययन वृत्त रामपुर। दोस्तों, आज हमने संकल्प अध्ययन वृत्त की ओर से और मंदिर सत्यनारायण रामपुर बुशहर की सारी कमेटी की सहयोग से आज सत्यनारायण मंदिर में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जिसमें के हमारे माननीय एसडीएम साहब, माननीय विभाग प्रचारक प्रताप जी, माननीय नगर संचालक रोशन चौधरी जी भी उपस्थित रहे और समस्त गणमान्य व्यक्ति भी यहां पर उपस्थित रहे। दोस्तों, ऐसे दौर में वहीं सत्यनारायण टेंपल ट्रस्ट के महासचिव विनय शर्मा ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन और कर्फ्यू जारी है, ऐसी हालत में रक्त की कमी अस्पताल में ना हो इसके लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा और कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आजकल जो लॉकडाउन और कर्फ्यू का टाइम चल रहा है, कोरोना के संकट से पूरा देश, समाज हमारा जो है जूझ रहा है, तो ऐसे समय में सभी समाज से भी संस्थाएं आगे आकर अपना अपना जो है रोल अदा कर रही हैं। उसी क्रम में आज ठाकुर सत्यनारायण मंदिर न्यास और संकल्प अध्ययन वृत्त रामपुर दोनों ने मिलकर आज इस रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया है, और इसमें सभी स्वयंसेवक, सभी विद्यार्थी जो है सभी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और